गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल समाना नासरीन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे, और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको खैर और खैरियत रखे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि वी कॉल का माइक जो है उसका रिव्यू कर रही हूँ। तो ये पैकेजिंग अभी तक पैक्ड ही है, मैंने सुबह सुबह ही इसको रिसीव किया था और ये अभी तक पैक्ड है। तो इसे हमें खोलना है, तो मैं खोल के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो इससे पहले मैंने और एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पैट्रोन के बेसबट का रिव्यू किया था, कंपेयर किया था दोनों में, एक जो फिंगरप्रिंट वाला बेसबट होता है उस पर, और फिर एक जो ऐसे नॉर्मल सा होता है जो कि मैंने यूज़ कर रखा है अभी, ये आप देख सकते हो। इसकी माइक कैसी है आप लोग अभी तो सुन ही रहे होंगे ना ऑडियो में, तो आप बता सकते हो। और मेरा बोया का माइक हो गया है ख़राब, और मेरे पास अभी उतना है नहीं कि मैं खरीद सकूं। और ये जो है ये मेरे भाई का है, ये ईयरफोन मेरे भाई ने मंगवाया है, तो मैंने अभी तक उसको दिया नहीं है। मैंने बोला मैं पहले अभी इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरीके का मिलता है, बाद में मैं उसको दूंगी। तो चलो अब आप लोगों को मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ, तो आप लोग देखिए। सो गाइस, थोड़ा इस तरीके से एंगल है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरा ट्राइपॉड है बैंड हो चुका है और ख़राब हो गया तो चलता नहीं, तो फिर भी इससे ही मुझे करना पड़ रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरीके से चेयर में इसको अनबॉक्स करके कि इसके साथ क्या क्या आपको रिसीव होता है। तो हम इसको इसी तरीके से अगर निकालते हैं तो ये निकल जाएगा आराम से। ये निकल गया है, इसके साथ आपको बिल मिलता है जिसने मैं आपने लिया है, ये 900 का है। और ये देखिए इस तरीके का आपको मिल जाता है वी कूल का डब्बा, जो कि काफ़ी छोटा सा है ये ईयरबड। तो चलिए इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि ये अभी अभी खोल के दिखा रही हूँ तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं। तो ये खुल चुका है, अब हम इसको खोलते हैं तरीके से और फिर देखते हैं कि इससे। ये देखिए इसमें एक थैंक यू का कार्ड आता है जिसमें आपको नंबर दिया गया है। तो ये एक थैंक यू कार्ड आता है इसके साथ में, और यहाँ पे फुली चेंज और ईयरबड्स, यहाँ पे आप अगर स्कैन करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये देखिए ये बड़े ही अच्छे से पैक होके आता है। तो ये जो है ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ये पावर बैंक की तरह ही काम करता है, जैसे कि आपके जो ईयरबड्स है उसको आप इस पे रखोगे तो ये चार्ज होंगे ईयरबड्स। तो ये इस तरीके का काफ़ी छोटू सा, काफ़ी हैंगी और खूबसूरत सा है, ये देखिए छोटा सा है, हैंगी है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है, ये आप देख सकते हो। इसकी जो बैटरी पावर है वो है 350 mAh, यानी कि 350 mAh की इसकी बैटरी है। इससे आप अपने ईयरबड्स को 3 बार चार्ज कर सकते हो। तो चलो इसको मैं साइड करती हूँ और इधर देख लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये दो ईयरबड्स मिलते हैं जो लेफ्ट एंड राइट दो तरीके के होते हैं। तो इसको हम पहले खोलते हैं और अपने ईयरबड्स को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का आपको ईयरबड्स मिलता है लेफ्ट एंड राइट, ये दो साइड के ईयरबड है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट आप जब पैट्रोन के बेस बड ईयरबड्स लेते हो तो उसमें लिखा रहता है। और कुछ दिन बाद मैं पैट्रोन के साथ इसका कंपेरिजन वीडियो भी बनाऊंगी। सो इसको हम साइड में रख लेते हैं और फिर यहाँ देखते हैं क्या मिलता है। सो ये मिलता है छोटा सा USB केबल जिसे आपको चार्ज करना पड़ता है अपने बेस बड को, और इसके साथ ये आप देख सकते हो जो ये मिला है, इसको आप लगाएंगे आप अपने ईयर्स के मुताबिक, आपके ईयर्स बड़े हैं तो आप जिससे आपको कंफर्टेबल लगे वो वाले बड्स आप लगा के सुन सकते हो गाना या फिर कॉल पे बात। और फिर ये है, ये आपको लव लेटर मिलता है, यानी कि मैनुअल, मैं हमेशा लव लेटर बोलती हूँ, ये मैनुअल मिलता है जिससे आप पढ़ सक
मतलब कि इससे पढ़ के आप अपने ईयरबड्स को कैसे संभालना है, कैसे यूज करना है, ये सब कर सकते हो। तो ये देखिए, साथ ही साथ बता देती हूँ कितनी चीजें मिलती है आपको, 1, 2, 3, 4 चार चीजें आपको मिल जाती है साथ में। तो अब हम इस ईयरबड्स को कनेक्ट करेंगे, तो मैं मोबाइल लेके आती हूँ और उसके साथ कनेक्ट करती हूँ। सो ये रहा फोन, और इससे हम ब्लूटूथ ऑन करेंगे। एंड देन ये रहा ईयरबड्स, इसको हमें इस तरीके से ऑन कराना है। ये देखिए, आपको 5 सेकंड तक इसको दबा के रखना है, फिर ये ऑन हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कनेक्ट करेंगे ये दोनों को ईयरबड्स के साथ। सो देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मून वॉल्क M1। सो इसको हम कनेक्ट करेंगे। सो पेयरिंग करना पड़ता है। सो ये देखिए, इसमें हमें ऑल एक्सेस को क्लिक करना है और ऐसे टिक कर देना है। सो ये हो गया है, 90% चार्ज है इसमें, ये कनेक्ट हो गया है। तो अब सुनते हैं कुछ, देखते हैं कुछ। क्योंकि मैं क्वालिटी यहाँ से आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं खुद सुनूंगी, यूज करूंगी, सो आपको तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। सो आई विल ट्राई, मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। तो ये खान सर का वीडियो, साउंड अच्छी आ रही है इसकी, साउंड क्वालिटी सही है। ये वाला सर का वीडियो बहुत जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते, काफी अच्छी है। बट इनका एक सबसे बड़ा, मतलब इन जो भी हम ये ईयरबड्स लेते हैं ब्लूटूथ के, इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये फोन कॉल्स आपको सही से सुनाई नहीं देते इनमें। सो किसी को फोन कॉल ट्राई करते हैं बट बैलेंस है नहीं, सो फोन कॉल ये सुनाई नहीं देता। तो चलिए हम फोन कॉल की बातें हटाते हैं, जैसे कनेक्ट तो हो गया है। अब मैं आपसे चार्ज की बात कर लेती हूँ। आप एक बार में कोई एक ही बेस वर्ड यूज कीजिए, क्योंकि आप दोनों यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अगर एक एक करके यूज करते हो तो ये आपके लिए अच्छा रहता है कि आप यूज करते हो एक एक, तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये देखिए, ये ईयरबड्स इस तरीके से आप इसको निकाल देंगे, फिर भी आप अगर ऐसे लगाओगे तो अच्छे से ये चिपक जाते हैं। और ये LED है, LED चार्जर, ये देख सकते हो इसमें 94% चार्ज है। और ये आपके ईयरबड्स को 3 बार चार्ज करता है, आप देख सकते हो 3 बार ये आपके ईयरबड्स को चार्ज करता है। और काफी अच्छा चार्जर है, मतलब बहुत ही अच्छा है, इतना छोटा सा अफोर्डेबल है। LED है, आपको यहाँ से भी इसका ट्रांसपेरेंट है जो देख सकते हो आप, दिखेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है कि आपका जो ये है ना, ये बहुत कमजोर है, अगर ये गिरेगा ना तो ये टूट जाएगा। इसके मुकाबले जो पैट्रोन का है ये बहुत मजबूत होता है। तो इसके तो आपने रिव्यू देख ली, और अब मैं इसको यूज करने के बाद पैट्रोन के साथ जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, मैं जेन्युइन रिव्यू आपको देती हूँ, पैट्रोन के साथ इसका मुकाबला करके आपको दिखाऊंगी कि बताऊंगी कि ये अच्छा है या पैट्रोन अच्छा है। तो फिलहाल तो अभी भाई के पास जाएगा, वो यूज करेगा, उसके बाद अगर अच्छा हुआ तो हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसका रिव्यू तो अभी मैंने किया नहीं है, क्योंकि अभी मैंने खोला है और आपको बता दिया कि क्या चीज सही है नहीं है, किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, क्या करना है। और सही सही है प्राइस, क्योंकि आप इससे ज्यादा का लेते हो तो वो भी इसी तरीके का होता है, तो उतना अच्छा होता नहीं, उतना अच्छा मिलता नहीं, और शोर हो रहा होगा क्योंकि काम हो रहा है। और इस तरीके से सेटअप इसीलिए क्योंकि मेरा खराब हो चुका है स्टैंड, और फोन बहुत मुश्किल से मैंने इसमें लगाया है, इसीलिए मैं आजकल जब भी ब्लॉग बनाती हूँ तो हाथ में पकड़ के ही बनाती हूँ। तो अभी भी मुझे हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी हालत, ये देखिए ऐसे हो जाता है, सही से टाइट नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे करते हैं। ये भी टूट चुका है, मेरा सामान टूट मतलब, और जो मोबाइल स्टैंड जो होता है जिसमें आप मोबाइल को लगाते हो वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुका है, नहीं चल हो रहा। सो इंशाल्लाह किसी दिन लाएंगे।
अगर मेरे पास हुआ तो लाएंगे। तो हो चुका है, जैसा आपने इसका रिव्यू तो देख ही लिया होगा, मैंने यहाँ पे रखा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको इनकी कंपैरिजन देखनी है पैट्रॉन बेसबत के साथ तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर करना तो